असिस्टेंट लोको पायलट की नौकरी खोल दिया है। क्या विद्युत सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन पुनः मुझे उस नौकरी को दिलवा सकते हैं? मैं 1900 ग्रेड पे पे काम करता था, 2600 ग्रेड पे पे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में ज्वाइन किया, तो हम तो ये सोच के ज्वाइन किए ना कि ये उत्तर प्रदेश की नौकरी है, अपने घर की नौकरी, अपने राज्य की नौकरी है, हम ये सोच करके तो ज्वाइन किए। और 3 साल बाद यहाँ से भी हमको लात मार दिया गया। अब हम ना घर के रहे ना घाट के, ना रेलवे हमको अपना सकता है ना ये अपना रहे हैं। रेलवे तो हम सुरक्षा से छोड़ के आए कि हम इसको ज्वाइन करना है। आपकी अगर बात सुनी जाए तो आने वाले समय में आप क्या करेंगे, हम यही जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में क्या समझाना। चुनाव आ रहा है, मैं बहुत विनम्रता के साथ अभी कह रहा हूँ कि हम अगर बापू के देश को मानते हैं तो हम भगत सिंह का भी देश मानते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद का भी देश मानते हैं, सुभाष चंद्र बोस का भी देश मानते हैं। तो अगर गांधी जी के पद चिन्हों पर चल करके हमारे समस्या का समाधान नहीं होता तो हम भगत सिंह का रास्ता अपनाएंगे। और आने वाले समय में चुनाव है, ये सारे मंत्री विधायक जो भी भाजपा के हमारे गांव पे आएंगे या हमारे क्षेत्र में रैली करेंगे तो हम उनका बहिष्कार करने का काम करेंगे। जिस प्रकार से हमारा बहिष्कार किया जा रहा है, हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है, उस समय हमारा वक्त होगा, हम उनका बहिष्कार करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम काले कपड़े दिखाएंगे, हम उनका विरोध करेंगे, गाड़ी रोकने का काम करेंगे। आज भी गाँव हमारे साथ है, हमारे गाँव में अगर 1000 लोग हैं, 200-250 घर हैं, तो वो 200-250 घर हमारे साथ वेदना रखता है, पीड़ा रखता है। हम सभी लोग इनका विरोध करेंगे जो भी हमारे गांव में आए, तो सरकार को भी हम दिखाएंगे अगर आज हमारा बहिष्कार हो रहा है तो कल हम उनका बहिष्कार करेंगे। सीधी सी बात है, हमारी सरकार से न्याय की अपेक्षा कर रहे हैं और हमें न्याय नहीं मिलेगा तो फिर हम मजबूर होंगे। लेकिन उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रकरण का संज्ञान लेंगे और जल्द ही कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे और हमारे साथ न्याय करेंगे। तो ये थे हमारे साथ विद्युत कर्मचारी जो कि पहले से 3 साल सेवा में रहे और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। TV30 इंडिया से सुरेंद्र सैनी कैमरामैन।